क्या हो गया? There's a rodent up there. Okay, क्या हो गया? The rodent. Okay, क्या हो गया? Okay, okay, okay. चलो चलो, क्या हो गया भाई? नमस्ते नमस्ते नमस्ते. I know. You know? नमस्ते. नमस्ते. आई हैव बीन टू बीजिंग. अब जैसे कैसे हाथ कंधे पे रख दिया देखो. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग. आज के दिन में जो हम अनुभव करने वाले हैं, जो हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं ना, वो अगर मैं टाइटल या थंबनेल नहीं भी देता तो भी आप गैस कर ही देते. ये जो मेरा हुडी पहना हुआ ऐसा मिक्की मिनी वाला है ना, डोनाल्ड वाला ने क्या क्या, मिक्की माउस वाला, मतलब डिज्नी वाला. जी हाँ, बिल्कुल. आज हम अनुभव करने वाले पेरिस का डिज्नीलैंड. अभी कैसा है कि हांगकांग गए थे, उधर भी डिज्नीलैंड अनुभव किया. टोक्यो जापान गए, उधर भी डिज्नीलैंड अनुभव किया. अभी पेरिस में आए हैं और पेरिस का डिज्नीलैंड अनुभव नहीं करेंगे तो पेरिस का डिज्नीलैंड बुरा नहीं मानेगा? बिल्कुल मानेगा. इसीलिए तो किसी को बुरा मानने वाली बात हम करें ही ना, इससे अच्छा हम पेरिस में भी डिज्नीलैंड का अनुभव कर रहे थे. आज के वीडियो में आप लोगों को भी मेरी तरह बहुत मजा आने वाला है. हेलो नमस्ते आदाब सत श्रीकाल केम छो जय जिनेंद्र राइट वणक्कम. एक तो सायरन वाली गाड़ियां इतनी भरमा रहे ना, सच कह रहा हूँ. एनीवेज, यहाँ से डिज्नीलैंड मतलब जो सिटी सेंटर है ना गारेदू नॉर्ड के एरिया साइड से, वहां से एक घंटे की दूरी पर है मेट्रो. दो मेट्रो मेरे को टोटल लगेगी, एक मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद हम पहुंचेंगे. रेट की बात करूं तो मेट्रो का मेरे को नहीं पता, मतलब ऐसे तो 2.10 यूरो चार्जेज है लगभग जिधर भी जाना रहता है मेट्रो में. अभी ये लंबा है ना, एक घंटे का, हो सकता है इसका ज्यादा हो. टिकट ले लेते हैं, उसी के बाद ही आइडिया आएगा. यहाँ से हम मेट्रो पकड़ रहे हैं, यहाँ से जाना है लेस हॉल्स. लेस हॉल्स उतर के ए नंबर मतलब रेड कलर की मेट्रो लाइन पकड़ के पहुंच जाएंगे हम डिज्नीलैंड. ये देखो, अभी हमें जो चेंज करके पकड़नी है वो ये वाली है, क्योंकि डिज्नी का साइन दिया हुआ है मारने ला वेले. यहाँ से 41 मिनट्स लगाएगी, जो कि अभी 7 मिनट में आने वाली है ट्रेन. वैसे पेरिस का ये सबवे सिस्टम का एक चीज मानना पड़ेगा कि बहुत इजी है, मतलब सारे इंडिकेशन आपको इजीली पता चल जाता है कि कौन सा कब चेंज करना है. गूगल मैप्स एकदम सटीक है, यहाँ पे सटीक यूज होता है ताकि के आप इजीली प्लान कर सकते हो उस हिसाब से. उसी तरीके से मेरे को जब भी प्लान करना रहता है फ्लाइट बुकिंग होटल बुकिंग, तो मैं यूज करता हूँ वीगो का ट्रैवल ऐप, क्योंकि वो भी बहुत सही है, कन्वीनियंट है और सटीक है. वीगो एक फास्ट लोडिंग ट्रैवल ऐप है और साथ ही साथ चीपेस्ट कंपैरिजन साइट भी है, जहां मेरे को जब भी फ्लाइट या होटल्स कुछ भी सर्च करना होता है तो ट्रैवल कंपनीज और बड़े बड़े ट्रैवल पोर्टल्स को कंपेयर करके अमेजिंग से रिजल्ट्स पेश कर देता है. वीगो में आप बहुत सारे कंट्रीज के आप वीजा भी अप्लाई कर सकते हो और साथ ही साथ इंडियन रेलवे IRCTC की ट्रेन भी बुक कर सकते हो. कहने का मतलब है कि सबसे चीपेस्ट कंपैरिजन साइट है जो इतना अच्छा कंपेयर करके आपके सामने अच्छे अच्छे रेट्स और अच्छे अच्छे ऑप्शंस पेश कर लेती है. तो अभी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हो उसे अपडेट जरूर करना टू एंजॉय अमेजिंग ऑफर्स. ओहो, डिज्नीलैंड के लिए ये डबल डेकर ट्रेन है, वाह क्या बात है. अभी किसमें बैठे, अक्कड़ बक्कड़ करना पड़ेगा. अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे. हम पहुंच गए फाइनली डिज्नीलैंड के मेट्रो स्टॉप पे. इसका नाम है मारने ला डीजी चीजी, ऐसा कुछ तो नाम इस मेट्रो स्टेशन का. अभी एग्जिट कर लेते और सीधा बाहर निकल के डिज्नीलैंड. ये क्या है भाई? सॉर्टे. सॉर्टे का मतलब होता है एग्जिट, हाँ फ्रेंच में. तो ये सॉर्टे हमने कर लिया, एग्जिट कर लिया है और एंटर कर लेंगे डिज्नीलैंड. वो रहा बोर्ड, दिख गया मेरे को डिज्नीलैंड आ गया मैं. मेरा थर्ड डिज्नीलैंड हांगकांग टोक्यो के बाद पेरिस. सो जैसे ही आप सिक्योरिटी चेक से एंटर करते हो तो उस तरफ तो सब डिज्नी की शॉप से, जो कि हर डिज्नीलैंड के शुरुआत में तो होती है, अंदर भी होती है, लेकिन वहाँ जाने का अभी कोई इरादा है नहीं अपने को, क्योंकि ऑलरेडी जब पिछले डिज्नीलैंड में गया था तो उधर ऑलरेडी स्टोर्स दिखाया मैंने आपको और आपको पता ही है कि क्या क्या मिलता है अंदर, है ना. और इनफैक्ट ये जो हुडी है आपको पता ही है कौन से वाले डिज्नीलैंड से खरीदा था हमने, तो फिर मैं बोला अभी की शॉप पे जाने का ना, इससे अच्छा डायरेक्टली अंदर घुसते और झूले या फिर जो भी है ना अनुभव करना शुरू करते हैं. ओहो हो, क्या बात है, हैप्पी हैलोवीन की थीम है इस बार. बता दूं कि जब हांगकांग गया था उस टाइम कुछ और चल रहा था, जब टोक्यो गया था तो 40 साल पूरे हो चुके थे टोक्यो के डिज्नीलैंड को, तो उस टाइम वो थीम था. मतलब यार जब भी कोई ना कोई डिज्नीलैंड जाता हो कुछ ना कुछ थीम तो दिख ही रहा है मेरे को. और ओए होए होए, यहाँ का डेकोरेशन देख लो, मतलब क्या जोरदार लग रहा है यार. मेरे को कलरफुल ही तो पसंद है और ये सच में कलरफुल है बहुत.
देखो वो सच कहूँ तो झूले वगैरह तो एक तरफ है डिज्नीलैंड में, लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, जो रंग बिरंगे चीजें होती है ना, ओए होए, उससे ही आपका आधा पैसा वसूल हो जाता है। सच कह रहा हूँ, मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है। फिर तो जैसा जिसका सोच, मतलब जिसको लगता है कि नहीं भाई झूले के अलावा मजा ही नहीं करना है, कुछ भी सिर्फ झूले ही झूलना है, वो अलग बात हो गया उनका। लेकिन मेरे को तो ऐसा कलरफुल, और जब ये माहौल ऐसा देखता हूँ ना, अंदर से बच्चा आ जाता है बाहर, वही बात है, मेरे को तो बड़ा आनंद आता है इससे। बाय द वे, अगर डिज्नीलैंड के टिकट फेयर की बात करूँ तो एडल्ट का तकरीबन 50 या 51 यूरो के आसपास है। आप कह सकते हो 4,500-5,000 रुपया जब नॉन पीक रहता है पीरियड। अगर पीक रहता है तो ये लोग डबल भी कर देते, पूरा शेयर मार्केट की तरह चलता है। जब ये पेरिस में डिज्नीलैंड खुला था ना, तब ये दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड था। फिर तो भाई शंघाई में खुल गया, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा। क्या हो गया, क्या हो गया? ओके, क्या हो गया? ओके, क्या हो गया? ओके ओके ओके, चलो चलो, क्या हो गया भाई, चलो चलो। कोई ऐसा पागलबंदी करता है ना, तो डरने का नहीं, उसके पागलबंदी में इन्वॉल्व हो जाने का, क्योंकि आफ्टर ऑल यहाँ पे फनी होने वाला है ना। दंत मंजन वापरो, दांत ठीक हो जाएगा। पे भी तालियां बचती है क्या? गिर जाएगी ये, गिर जाएगी। क्लाइंबर, ठीक है। ओ हाय, व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? पेनी माइस। वेर आर यू फ्रॉम? यूके। ओ वेरी नाइस। क्लाइमेट साला चाहे कैसा भी हो, मेरे को लगा थोड़ी बारिश है तो भीड़ कम रहेगी, लेकिन नहीं भाई, डिज्नीलैंड में तो भाई भीड़ मिलना ही मिलना है, चाहे वीकेंड हो, वीकडे हो, के कुछ भी हो। चलो चलो चलो, नंबर आ गया, हाथी में बैठेंगे। पीला पीला लेता हूँ, पीला। ओए क्या बात है, ये तो हाथी उड़ रहा है हवा में। ओए ओए, अच्छा इसको अप करूँ तो और ऊपर। ओए हे हे, क्या बात है। ओ भाई साहब, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ठंडी अभी ज़्यादा लग रही है। ए क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ऐसा मैंने नीचे दबाया लीवर को तो हल्का सा नीचे जा रहा है। ये देखो, ये सही है यार, ऊपर नीचे आप खुद से कर सकते हो, ये बढ़िया चीज़ है। टोक्यो हांगकांग में ये राइड मैंने नहीं करी थी, हालांकि है स्टार्टिंग में ही है एलिफेंट राइड, लेकिन मैंने नहीं करी थी। मैं बोला सिंपल है, क्या ही करूँ, बाद में करूँगा। लेकिन यहाँ आके सबसे पहले मैंने यही किया, मैं बोला यार स्टार्टिंग में हाथी को देखता हूँ और हाथी को इग्नोर करता हूँ, बहुत गलत चीज़ है। इस बार हाथी भाई के साथ बैठ के उड़ान भर ही ली। ये क्या है भाई, कोई अंधेरी गुफा में आ गए हम, पता नहीं क्या राइड है अंदर। अच्छा ये ऐसा नीचे उतरने का, नीचे ऐसे बोटे है, बोटे जाएगी और कुछ नज़ारे दिखाएंगी, अंधेरे में ही दिखाएगी। ओए होए होए, इतनी भीड़ नीचे भी। ए मेरा है भाई, ये मेरा सीट है। हाँ ये चल दिए, चल दिए हम। ओहो हो हो, तेरी। ओए भाई, दिस इज इंटरेस्टिंग। वाह वाह वाह, मेरे को पहले पक रहा था, अभी इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, सच कह रहा हूँ। तेरी भाई खजाने पे बैठा एकदम मौज ही मौज है, ऐसा खजाना मिल जाता, दो मुट्ठी भी मिल जाता बहुत है। अबे ठोक दिया, चलो कोई नहीं, ठीक थी राइड, बुरी नहीं थी। मतलब पहले ऐसा लग रहा था कि किधर 40 मिनट लाइन में खड़ा रहा और ये किसी बोरिंग सी राइड है, फिर धीरे धीरे मजा आने लगा, इंटरेस्टिंग आने लगा, और दो तीन बार ऐसा है कि स्लोप आई, अचानक से बोट नीचे धप करके जाती है, इंटरेस्टिंग था ओवरऑल। तो
ये हम स्पेशल एंट्री पकड़ के जा रहे सबसे नंबर वन राइड डिज्नीलैंड पेरिस के। जी हाँ, अगर सबसे नंबर वन राइड है तो भीड़ किधर है ना, आप यही सोचो ना। जी भीड़ उधर है और अपन भीड़ को स्किप कर दिए भाई, क्योंकि देखो मैं आपको सच सच कह रहा हूँ, ऐसे तो अगर आपको स्किप करना है कोई भी एक राइड का चार्ज है 18 यूरो, मतलब 1700 रुपया एक्स्ट्रा भरोगे ना तो किसी भी एक राइड की आप सारे राइड्स नहीं है, मैं वापस कह रहा हूँ, सिर्फ एक राइड का आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं है और आप ये प्रीमियम लाइन पकड़ सकते हो। लेकिन मैंने नहीं भरा है, मैं क्यों भरूंगा यार 1700 रुपया, किसको बोलते हैं, सिर्फ एक झूला जल्दी झूलना है उसकी वजह से 1.5 घंटे का वेटिंग है और मैं डायरेक्ट प्रीमियम की लाइन में घुस गया हूँ। इसका कारण ये दिस वे, ओके थैंक यू, इसका कारण ये है कि मैंने उनको अपना चैनल बताया, ठीक है, उन्होंने कहा कि वाओ ग्रेट, तो उन्होंने मेरे को एंट्री दे दी इस वाले लाइन में, मतलब ठीक है, जो सच है वो मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो कोई बताता नहीं है, मैंने बता दिया सच आपको। नंबर तो ये शुरुआत होती है डिज्नीलैंड पेरिस की नंबर वन राइड बिग थंडर। ओए, ओए, क्या बात है, ओए, वाह 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 बोलती, ओए माय गॉड, वाओ, I love roller coasters, especially a big thunder. Woohoo! वाह क्या नजारा है, सऊदी अरब में है ना वो, the edge, रियाद के आसपास वैसा कुछ है, look, superb, मजेदार एकदम, अभी वापस तेज होगा, हो गया तेज, woo, ओए, ओए बयान नहीं कर सकता, मतलब कितना शानदार लगता है यार रोलर कोस्टर में बैठने को, वाह। और क्लाइमेट भी ऐसा है कि ठंडा ठंडा लग रहा है एकदम, एकदम डिम डिम हो गई लाइटें क्योंकि अंधेरा होने आया है एकदम, मजेदार एकदम। चलो अभी खाकरे का ब्रेक कर लेते हैं, खाकरा खाते हैं, सब लाए हूँ मैं, ये बैग छोटा दिखता है लेकिन ये बहुत बढ़िया, अंदर पावर बैंक ने, छोटी पानी की बॉटल ने, खाने की चीजें ने, बहुत कुछ आता है। ये मेरे वैसी सासू माँ ने बनाया था दाल के, हाँ ऐसा वीट के नहीं है, पूरे उलट दाल के कुछ है, बोला कि हेल्दी रहता है, ट्रिप में लेके जाना, मैं बहुत लेके आया। माय नेम इज प्रतीक, प्रतीक जैन। सो यू कम हियर अलोन? या अलोन अलोन। Sonia. And we're from Taiwan. Taiwan. Oh, you know in India there are so many girls whose name is Sonia. Really? Like, yeah, it's a very common name in India, Sonia. I don't know. What's your name? My name is Ellie. Ellie. From Taiwan too. Oh, you're from Taiwan both. Taipei? No. Okay. I'm from Taoyuan. Taoyuan. Tai. Tai. Okay. Everything comes from T only. Tao, Tai, Taipei, yeah. Taiwan. Yeah. चल बेटा सेल्फी ले ले रे, या दिस इज नाइस, या आई थिंक इट्स गुड, या इट्स गुड, नाइस मीटिंग यू, नाइस टू मीट यू, बाय बाय, या शेशे, व्हाट, हाउ टू से शेशे इन इंडियन लैंग्वेज, शेशे मींस धन्यवाद, 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 एंड नी हाओ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आई नो आई नो, यू नो, नमस्ते, हाँ नमस्ते। अभी हम ये राइड करेंगे जो दिखने में तो फ्यूचरिस्टिक है, मतलब ऊपर गोले घूम रहे पृथ्वी ने, जुपिटर ने, ये सब सैटर्न वैटर्न, और नीचे ये घूमेंगे, मतलब अपन घूमेंगे जब अपन बैठेंगे तो जेट में छोटी सी। दिखने में काफी एक्साइटेड लग रही है, एकदम फ्यूचरिस्टिक राइड है, क्योंकि टिल्ट हो रही है ना थोड़ी ऊपर जाके, एकदम टेढ़े वेढ़े हो जाते सब लोग। एंड here we go, क्या बात है, अभी ऊपर कर दूं क्या, यह
ओहो, ठंडी ठंडी हवा बहती है, मजा आ जाता है। ये देखो ऐसा करके रखा है मैंने, खींच के रखा है पैर से तो एकदम ऊपर, और एकदम टिल्ट होके रखा है, लेकिन ऊपर ही ज्यादा मजा आता है क्योंकि जो ठंडी ठंडी हवा भी बहती है और जो व्यूज मिलते हैं। अभी इसको ऐसा करता हूँ तो ये नीचे जाएगा, अभी देखना। ये देखो ये सबसे नीचे जा रहा है ना मेरा, ओए नीचे फास्ट बहुत होता है। ये हम अगेन एक और रोलर कोस्टर का अनुभव करने वाले जो कि डिज्नीलैंड की सेकंड बेस्ट राइड मानी जाती है, स्टार वॉर्स हाइपरस्पेस माउंटेन। पेरिस ही नहीं, कोई भी डिज्नीलैंड में ना ये वाली सेकंड बेस्ट। एक तो बिग माउंटेन, वो खुलमा है इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है। ये ना पूरा पैक पैक है, मतलब अंदर अंधेरा रहेगा फिर तारे वारे दिखेंगे, मतलब जिसको स्पेस से प्यार है ना उसको इधर बहुत मजा आता है। और सबसे फास्टेस्ट है, इससे फास्ट कोई राइड नहीं है डिज्नीलैंड में। मेरे को तो हालांकि पर्सनली बहुत पसंद है, शूट कर रहा था बहुत टफ रहता है। टोक्यो वोक्यो में जैसे तैसे मैंने शूट कर रहा था, मेरे को पता है बहुत रिस्क है। इसमें मैं शूट नहीं करने वाला, बस खुद ही इंजॉय करने वाला हूँ। यहाँ पे शाबाश, मेरी मिस्टेक सॉरी, मेरे को लगा कि सेम हांगकांग टोक्यो जैसे। नहीं भाई, पेरिस के डिज्नीलैंड में ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया भाई। सबसे फास्टेस्ट, फास्ट तो छोड़ो ऊपर नीचे, मतलब उल्टा उल्टा सब हो रहे हो आप इसमें, बहुत शानदार राइड है। मतलब टोक्यो जापान से भी कई गुना फास्टर था ये। ये भाई साहब मेरे बाजू बैठे थे, हाउ वाज द राइड? क्रेजी, मैग्निफिक। यू फ्रॉम? वेरी फास्ट। यू फ्रॉम? व्हिच कंट्री? व्हिच कंट्री? सीन। सीन? चाइना। चाइना, हां। वे बीजिंग, शेंजेन, शंघाई, गुइलिन। बीजिंग, बीजिंग। हां हां, आई हैव बीन टू बीजिंग। हां हां, अब जैसे कैसे हाथ कंधे पे रख दिया, देखो ठीक है। हां जो जो ये जो जो पिक्चर है ना, कोई तो बॉबी देओल की सोल्जर, उसमें नहीं रहता जो जो हंसते रहता है, ऐसे ही रहता है उसका मान। अच्छा था लेकिन 2,200 रुपीस ओनली। हाय, बस इतने का ही था, ज़्यादा महंगा नहीं था, तभी तो नहीं खरीदा। तो जो पेरिस का डिज्नीलैंड है, इसकी टाइमिंग की बात करूँ तो सुबह 9:30 बजे खुल जाता है और रात के 11 बजे तक रहता है। जी हाँ, अदर डिज्नीलैंड 10 बजे के आसपास बंद हो जाते, ये पेरिस का 11 बजे तक खुला रहता है। लेकिन एक दिक्कत वाली बात ये लगी मेरे को कि रात को 10 बजे यहाँ पे फायरवर्क्स होता है, जो कैसल पे होता है ना, जैसे कि हांगकांग में होता था। हालांकि वो हांगकांग के लेवल का तो नहीं होता है, बिकॉज वो दुनिया का नंबर वन शो माना जाता है, तो जाहिर सी बात है अगर सेम होता तो वो नंबर वन कैसे ही होता। एनीवेज वही कह रहा हूँ कि रात के 10 बजे तो मतलब बहुत लेट, पब्लिक चली भी जाती है। अब तक कितने बजे पता है? 7:30। ऐसे वेदर में तो इनको मेरे हिसाब से 8:00 बजे चालू कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी क्या ही कर सकते हैं। मैं तो नहीं रुकने वाला 10 बजे तक ये फायर शो देखने के लिए, क्या ही रुकूं। अगर हांगकांग का नहीं देखा रहता तो शायद रुक भी जाता। एनीवेज मैंने यहाँ पे अभी पॉपकॉर्न और ये पानी की बोतल खरीदी है, पता कितने में खरीदी? 8 यूरो। जो उसने मांगा तो मैं बोला बस 8 यूरो, हाँ ले ले ले। फिर दिमाग लगा कि अरे बाप रे, 750-750 रुपया दे के आया मैं। इंडिया में साला कोई आधा पैसा मांगता इसका, वो भी नहीं दे पाता मैं, मतलब बहुत महंगा लगता। लेकिन कुछ जगहों की बात ही ऐसी होती है कि यार भाव पता नहीं चलता है और दे भी देते हैं अपन, स्पेशली खाने पीने की चीज़ों में यार। भाई साहब सच कह रहा हूँ, जैसे जैसे रात बीत रही है ना, जो ठंड बढ़े जा रही है ना, कि अब ब्लैक कोट निकालने का मन नहीं कर रहा है। अभी तो लिटरली सच कह रहा हूँ, पूरा पैक करने का ही मन कर रहा है। वही मैं सोच रहा हूँ कब से कि क्या करूँ, रुकू के निकल जाओ, बिकॉज रुक के करेंगे भी क्या, जितने झूले झूलने थे उतने झूल लिए। कुछ कुछ में शूट्स फोन अलाउड नहीं था तो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, लेकिन मैंने तो वो राइड्स कंप्लीट करी ना, और कुछ कुछ राइड्स ऑलरेडी मैं दूसरे डिज्नीलैंड में कर चुका हूँ। रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो मैंने आप लोगों को जरूर दिखाया और कुछ कुछ राइड्स भी दिखाए। इन्फॉर्मेशन तो पूरी मिल गई आपको पेरिस के डिज्नीलैंड की, टाइमिंग हो या रेट हो, है ना। अभी रही बात इसके फायरवर्क्स की, तो भाई साहब रात के 10 बजे तक कौन रुकेगा, 1.5-2 घंटा अभी भी और बाकी है, तब तक तो मैं मेरा हॉस्टल पहुंच जाऊंगा, 1.5 घंटे का रास्ता है कम से कम, है ना। सोच रहा हूँ टाइम से जाऊंगा, टाइम से सो जाऊंगा, तो टाइम से फिर कल सुबह जल्दी उठूंगा क्योंकि कल हमें दूसरी जगह निकलना है। इसे मैं सोचा अभी निकल जाता हूँ, ये पेरिस का डिज्नीलैंड का वीडियो यहीं पे अंत करता हूँ। क्लाइमेट ऐसा था कि व्यूज इतने अच्छे नहीं मिले रहेंगे, फुटेजेस इतनी अच्छी नहीं मिली रहेगी, लेकिन आई होप ये वीडियो फिर भी आपको अच्छा लगा रहेगा। अच्छा तो लगा ना, क्योंकि तभी मेरी मेहनत सफल होगी, वरना मेरी मेहनत कैसे सफल होगी। बाकी तो आप लोगों को बोलने का ये काम नहीं आए ना, आप लोग कर दोगे ऐसा, वो दबाने का है ना, लाल कलर का सब्सक्राइब अगर नहीं किया वो दबाने का वगैरह। चलो फिर
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. लव यू ऑल.